क्या नो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे रिटर्न गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए ना। छी, अरे तो तुम इसी के लिए आए हो क्या? हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे, बाय। क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस करो ना राजा, सॉरी। अब कहाँ जाओगे? आज तो तुम बुक हो चुके हो। आकाश गंगा, जिसने बड़ी अजीब तरह से वाटर किंगडम में एंट्री की थी, अब इस कंपनी ने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। वाटर बिजनेस में उसके उसूल ही उसकी सफलता का राज है। अभी अभी मिली खबर के मुताबिक राजा की वाटर ब्रांड आकाश गंगा अब रेलवे को 10 लाख बॉटल सप्लाई करने वाली है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए। सर, फोन। नमस्ते गोयल जी। नमस्ते रकुलप्रीत जी। सुना है आपने वाटर कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया? किसने बोला? पूरे मीडिया में यही हॉट टॉपिक है। समाचार हो या अत्याचार, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार किसी को नहीं है, डोंट वरी। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो पता है ना, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। पता है भाई, वो फॉल्स न्यूज पर आप यकीन मत करना। अरे बाप रे, मिनिस्टर बनने के बाद भी मुझे आराम नहीं है, कितने लोग जबरदस्ती करते रहते हैं। इस तरह से बकबक करेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं तो क्या मेहरबानी करेगा क्या? ऊपर से नाम भी तो देखो, रकुल प्रीत। हमारे लिए रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ही खुशी की बात है। हम जो पानी सप्लाई करने वाले हैं वो बेस्ट रिसोर्सेज से लिया हुआ है। हमारा उसूल सिर्फ एक है, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। रेलवे के डिमांड के मुताबिक हम पानी सप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन ओनली प्रोड्यूस 1.22 to 1.5 lakhs वाटर बॉटल्स पर डे। अवर वाटर विल बी प्रीमियम इन क्वालिटी एंड रीजनेबल इन प्राइस। आपको पता ही है कि सारे राज्यों में पानी सप्लाई करना है, तो इसीलिए हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे। तो आप लोग आकाश गंगा का लुत्फ उठाइए और जो नहीं उठा पाया हमें माफ कीजिए। लेकिन एक बात, MRP से एक रुपया बढ़ाकर अगर किसी ने बेचा तो आप लोग हमें बताइए, इमीडिएटली उस शॉप को हम वाटर सप्लाई बंद कर देंगे। बाप रे, क्या दिमाग है यार तेरा, वाटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक पानी का बॉटल देना। ये लीजिए। आकाश गंगा नहीं है क्या? है ना। कल से 100 लोड का ऑर्डर एक्स्ट्रा आ गया है, इसे हम पूरा नहीं करने वाले हैं, बोल दूं क्या? क्यों नहीं कर सकते? तुमने ही तो कुछ क्वालिटी क्वांटिटी ऐसा कुछ बोला था ना? वो इसलिए बोला था ताकि अपने प्रॉफिट बढ़ जाए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पब्लिसिटी के बिना इतना बिजनेस बढ़ाना इम्पॉसिबल है। यू आर रियली ग्रेट राजा। हम खर्चा तो कर रहे हैं पर सब लोग तक पहुँच नहीं रहा। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना चाहिए, FB से लेकर WhatsApp तक। हमारा पानी पीने के बाद लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, देश के लिए अच्छा है, ऐसी पोस्ट कहीं ना कहीं शेयर होती ही रहनी चाहिए। Facebook पे वायरल हुए हर एक वीडियो को कवर करने के लिए मीडिया हमेशा तैयार रहती है। हमारे कंपनी के बारे में आने वाली हर एक न्यूज सीधे इसी प्रोसेस से होकर गुजरनी चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिलेगा और हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। I am really proud to work with you, Raja. I need some scientist. Why? हिमालय से जो हम वाटर सप्लाई करते हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसका पता लगा के हमें गांव के पानी को भी वैसे ही प्यूरिफाई करना होगा, दैट टू विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स। हम उसमें हिमालय की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलाकर देखते अगर कुछ होता होगा तो। तुलसी फ्लोराइड को कम कर देती है ऐसा मेरे दादाजी ने कहा था। मतलब दादाजी भी साइंटिस्ट हैं, उन्हें बुला लूं क्या? तुम्हें लीकर बिजनेस के बारे में आइडिया है ना? या श्योर। गुड, लेट्स स्टार्ट विद द बियर मैन्युफैक्चरिंग। आर यू सीरियस? हम्म। परमिशन मिल भी गई तो प्लांट शुरू करने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा राजा। जानता हूँ, अगर हमें परमिशन मिली तो बियर तैयार करने के लिए हमारे पास कोई प्लांट्स है क्या? अगर परमिशन जल्दी मिलनी चाहिए तो किससे मिलना होगा? रेलवे मिनिस्टर रकुल प्रीत से। क्या? एक्साइज मिनिस्टर रकुल प्रीत का बेनामी है, जो भी फाइल उसके पास जाती है वो रकुल प्रीत ही पास करता है। गॉट इट। हेलो, प्लीज मंत्री जी से मेरी बात करवाइए ना।
मंत्री जी बोल रहा हूँ, बोलो। हम कंपनी में आपको 5% की पार्टनरशिप देंगे। 8% है तो ठीक है। 9% ले लीजिए, न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी ये आपके लिए अच्छा नंबर होगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुमको जो भी जरूरत हो मुझे जरूर याद करना। डील डन। भगवा वस्त्र देना, ये लीजिए। नारायण नमः ज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परम् ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिव अन्तर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः। मेरा नाम है राजा। अब तक जिंदगी में कई सारे फेलियर्स का सामना किया है और मैं आज तक सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। फेलियर ही मेरा दोस्त, भाई और मेरा सब कुछ है। क्या हुआ बेटा, रिजल्ट का क्या हुआ रे, फेल हो गया? कितने सब्जेक्ट में? ठीक है चल एक काम कर, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो गुड मॉर्निंग बोल, दो में है तो गुड आफ्टरनून बोल दो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हाँ? चारों में फेल हुआ? कल के लिए भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पूरा में फेल? मैंने सोचा था 90% आएगा माँ। इट्स ओके बेबी। कोई इस तरह सारे सब्जेक्ट्स में फेल होता है क्या? अब तुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, कल से तू काम पर जाना शुरू कर, कम से कम वो तो सही करेगा ना। इस तरह कोई काम करता है क्या रे? सारे निकम्मे मेरे पास ही आते हैं काम करने के लिए। इस तरह घूर क्या रहा है, मारेगा क्या? सर पे क्यों मारते हो? चल निकल, दोबारा इधर दिखाई मत देना। कितने बजे आना था तुम्हें? सॉरी भाई लेट हो गया। कल से यहाँ पर दिखाई मत देना, चल निकल। हाँ? इसी तरह किस्मत की ठोकरें खाते हुए फाइनली मैं मार्केटिंग में सेटल हो गया।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग राजा, ये लो तुम्हारी मंथली सैलरी। ये क्या है सर, आप तो हर महीने 10 तारीख को सैलरी देते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारी कंपनी को केआर कंस्ट्रक्शन ने खरीद लिया। क्या? तो क्या हुआ सर, केआर वालों को भी तो एम्प्लॉयज चाहिए होंगे ना। हाँ, अगर हमारे एम्प्लॉय इतने ही अच्छे होते तो हम अपनी कंपनी केआर कंस्ट्रक्शन को बेचते ही क्यों। और तो और, हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय केआर कंस्ट्रक्शन को नहीं चाहिए। तो फिर ऑफिस और फ्रेंचाइज। बाप रे, तुम तो बहुत आगे का सोचते हो। अरे एक तो तुम बिना बताए चले गए, पर मेरे और मेरे कंपनी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। फिर भी तुम टच में रहना, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो तुम ही मेरे फर्स्ट एम्प्लॉय हो गए। थैंक यू सर। कॉफी बना दूं क्या बेटा? नहीं माँ, डैड मुझे अर्जेंटली 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख चाहिए? मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आने के बाद बात करता हूँ। पहले आप मुझे बताइए कि कब देने वाले हैं। पहले मैं बाथरूम से तो आ जाऊँ। पहले मुझसे वादा कीजिए कि आप देंगे। अरे तू कैसा इंसान है रे, मेरा पेट फटने वाला है, मैं बाद में तुझे बता। पहले आप मुझे बताइए कि कब देने वाले हैं। ठीक है, क्या करेगा बोल। नहीं बताऊंगा, मुझ पे विश्वास रखिए। आप हर बार मुझे ऐसे ही टोकते रहते हो और मेरा बनता हुआ काम बिगाड़ देते हो। इस बार मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है देता हूँ, पहले मुझे बाथरूम से आ जाने दो। आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा जल्दी आजा, आजा आजा आ। कितने में खरीदा? 1,75,000। 1,75,000? मुझे बोल दिया होता 65,000 में खरीदवा देता। कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई क्या? ये लड़का कौन है? मेरा दोस्त है। तेरे जैसा ही है क्या? आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स डैड। साइड पर रोकना। ये क्या, कोई भी खरीदने के लिए आ नहीं रहा है? ऐसे दरवाजा खोल कर बैठेगा तो आ जाएंगे क्या? तो फिर दूध मलाई, दूध मलाई, ऐसे चिल्लाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया चिल्ला रहा है। ज्यादा मत बोल, हमारी बात सिर्फ ड्राइविंग की हुई थी। वैसे तेरी पार्टनरशिप कितने की है? 30। 40 दूंगा, अब चिल्ला। 50 देता है तो ठीक है। लास्ट 45 दूंगा। नहीं चलेगा। चल फिर, तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ चल, रो मत, चिल्लाता हूँ मैं। दूध मलाई, दूध मलाई, दूध मलाई ले लो, दूध मलाई आओ, दूध मलाई ले लो, दूध मलाई आइए और खाइए दूध मलाई। आप भी आइए और बच्चों को भी लाइए दूध मलाई, दूध मलाई। अबे जोर से चिल्ला। और कितना जोर से चिल्लाओ बे? चिल्लाना देखते हैं। दूध मलाई आइए और बच्चों को भी लाइए। आइए सर, आइए दूध मलाई खाइए। आइए। इसने का है 1.25 किलो 60 रुपए का है। तो 1 किलो हुआ 240 का। जी सर। स्वादिष्ट है ना? अरे बहुत ही टेस्टी है सर, चाहिए तो टेस्ट करके देखिए। Let's go.
था। ठीक है देता हूँ। कैसा है सर? अच्छा है। तो 1 किलो पैक कर दूं? 1 किलो? इतना किस लिए? बच्चों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बस 100 ग्राम दे दो। क्या 100 ग्राम? अबे हंसना बंद कर और चिल्ला। दूध मलाई, दूध मलाई, आइए और खाइए। अबे चिल्लाना। दूध मलाई, दूध मलाई, दूध मलाई, आओ और खाओ दूध मलाई। अब और नहीं कर पाऊंगा मैं ब्रो। साउंड। क्योंकि अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो दूध मलाई खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ओ सांब, कितना दूध मलाई खाएगा बे? अरे 1 किलो दूध मलाई खाऊंगा सरकार। एक बार दूध मलाई खाने के बाद जो हार कर जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं। अच्छा नहीं, अब दूध मलाई खाइए और खुश हो जाइए। Cheers. सुन बे, तूने अगर 2 पैक से ज्यादा पी लिया ना तो तेरे परसेंटेज से काट दूंगा मैं। वैसे यहाँ का 1 पैक 250 रुपए के ऊपर का है। आज की कमाई का खर्चा काटने के बाद हमारे पास 2,800 रुपए बचे हैं। इस हिसाब से महीने का हुआ 90,000। हेलो, 2,800 मतलब महीने का 84,000 हुआ। डेली इतना बिजनेस होगा इसकी गारंटी तू लेगा क्या? ए शट अप, अगर तूने जरा से भी नेगेटिव बात की ना तो बोतल तेरे नीचे से घुसा दूंगा। ओके ओके, नो नेगेटिव्स। जय महाश्मती, जय दूध मलाई, जय दूध मलाई। बॉस बिल देना, अगले महीने तक हमें एक और वैन खरीदनी ही होगी। ये लीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या इसमें मैं टिप ऐड कर सकता हूँ? हाँ सर। क्यों आग लग गई ना भाई? कल मुझे भी एक ऐसा बेवकूफ इंसान मिल गया था। आधा किलो दूध मलाई फ्री में खाने के बाद आखिर में 100 ग्राम खरीद के लेकर चला गया। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। वक्त चाय पीनी जरूरी है क्या? अरे मुंह की बदबू तो निकल जाएगी। अगर ऐसे ही चला गया ना तो मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं मुझे। भाई दो चाय दे दो। ये लो। भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। आवाज नहीं आएगी, इसका स्पीकर खराब है। तुझे कमेंट्री सुननी है ना? मैं सुनाता हूँ ना, सुन। ये बॉलर ने बॉल डाला और ये हिटमैन ने हिट किया। वाह, बैटिंग वाले ने क्या कमाल का शॉट मारा। अबे कुछ भी मत बोल, उसे बैट्समैन बोलते हैं। तुझे आता है तो तू ही बोल दे। ठीक है। अब फिर से बॉलर ने बॉल डाला और ये इस बार हिटमैन ने हिट किया और बॉल गया सीधा बाउंड्री लाइन के पार, सिक्स। ये है।
साहब एक खरीद लो ना साहब। ये क्यों खरीदूं मैं? इसे पास में रखने से पैसा आता है साहब। ये तेरे घर पे है ना? हाँ बहुत है साहब। अगर ये लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती तो क्या तू रोड पे इस तरह से ये बेच रहा होता? अरे वाह व्हाट अ लॉजिक, क्या बात है। पढ़ाई करता है कि नहीं? अरे थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग ऐसे हैं। तूने तो उतनी भी पढ़ाई नहीं की तो तेरी हालत क्या होगी? जा जाके पढ़ाई कर ले। मुझे भी पढ़ना है साहब, पर मेरे बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है साहब। कोई मदद करेगा तो मैं पढ़ लूंगा साहब, आप पढ़ाएंगे मुझे? मेरी इतनी औकात नहीं है भाई, क्योंकि बदनसीबी हमारे आसपास घूमती रहती है। वाह साहब जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। करवाली बेइज्जती। निकल, स्टार्ट कर, चल, 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 भगा। तेरा चाइना वाला फोन देना। तेरा आईफोन है क्या? अभी देना यार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बुडीज। बुडी? यू मीन बडी? या बडी बडी बडीज। क्रेजी गाइस। Is it a friendship day today? Friendship day और Valentine Day अंग्रेजों के लिए है। हमारे लिए जिसके पास friend है उसके लिए friendship day है और जिसके पास lover है उसके लिए Valentine Day है। Hey nice bro. Yeah bro. Happy friendship day. Bye. Bye bro. Bye. Bye. Sorry buddies. आज मेरी किस्मत की लगी है अच्छी खासी, जहाँ भी हाथ डालू वहाँ भी है बदनसीबी। तीन मिस कॉल्स, ये लोग मुझे सुकून से सुसु भी नहीं करने देते। हेलो अरे यार, क्या कह रहे हैं? ये गाड़ी चोरी की है भाई। तो अब क्या करेंगे हम? रुक मैं कॉल करता हूं। मैंने पहले ही ट्राई किया पर उसका कॉल नहीं लग रहा है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? गाड़ी सीज करेंगे ये लोग और पुलिस स्टेशन में बुलाया है। प्रसाद है यार, पहले दर्शन कर ले। भगवान आप कब तक मेरी ऐसे ही परीक्षा लेंगे? कभी कभी ऐसा लगता है कि जीने से अच्छा मर जाऊं। अब तक मैंने बहुत से फेलियर्स देखे हैं, अब तो सक्सेस दिखा दीजिए। मुझे बस खुशियां ही देना भगवान। तो
सुन हीरो, पहले प्रसाद या भगवान का दर्शन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो भी काम करते हैं उसे कितने सच्चे दिल से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बस तेरी महिमा अपरंपार है, हे भगवान। मैंने अभी अभी तो मांगा था, इतनी जल्दी दे भी दिया। अबे तू कैसा इंसान है यार, यहाँ हम लोग दर्शन करने आए हैं ना, तू एक नंबर का बेवकूफ, बदतमीज और बेहुदा इंसान है, कभी नहीं सुधरेगा तू, समझा। कुछ कुछ मेरे दिल की धड़कन कहने तो लगी, थक थक छोड़ के लव लव ये दिल करने तो लगा। कुछ कुछ मेरे दिल की धड़कन कहने तो लगी, थक थक छोड़ के लव लव ये दिल करने तो लगा। दिल ये तेरा जहाँ ये तेरी अब से हो गई, क्या करूँ मैं तो प्यार में तेरे पागल हो गया। इसकी हरकतें तो मुझे कभी भी समझ में ही नहीं आती है। अगर इंसान को मलेरिया का मच्छर भी काटे तो बच जाता है, लेकिन लव का मच्छर काट ले तो काम खत्म। अभी चलना, किधर जाना है? प्रसाद तो ले ले मैडम। प्रसाद तो ले लीजिए, मंदिर में आए हैं और बिना प्रसाद के लौटेंगे ये तो गलत है ना। ओह सॉरी। अब तो चलना छिछोरा कहीं का। ये हमारी औकात के बाहर है भाई, निकलते हैं। तेरे लिए ऑमलेट बना दूं बेटा? हाँ माँ। डबल अंडे का बना दो, बच्चा आजकल परेशानी में बहुत कमजोर हो गया है, कैसे हजम होता है रे तुझे? कैसी बातें कर रहे हैं जी? अरे हजम नहीं हुआ तो हाजमे की गोली ले आऊंगा, तुम शुरू हो जाओ जाओ। तू भी इंसान ही है ना, तेरे ऊपर जिम्मेदारी परेशानी ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ बहुत सी है। हाँ कुछ कुछ मायने में नखरे बहुत ज्यादा है।
उस दिन हम कार में इतना एंजॉय कर रहे थे और तभी एक लड़का सर आपके लिए और कुछ वन प्लेन डोसा वो इतना एंजॉय कर रहा था ना यू लुक प्रिटी इंटरेस्टिंग मी थैंक यू डू यू वर्क हियर नो ओनर आई एम द ओनर एंड ही इज माय वर्किंग पार्टनर गिरी हाय हेलो आई एम राजा नाइस नेम आई एम हारिती वाओ हारिती बहुत ही अच्छा नाम है एक्चुअली आई एम नित्या हारिती नित्या हारिती तो उससे भी बहुत अच्छा है आई मीन बहुत अमेजिंग है अमेजिंग नेम इससे पहले आप दूध मलाई का बिजनेस करते थे ना इसका मतलब आपने मुझे पहले भी देखा है या वो सॉन्ग मैं कभी नहीं भूल सकती आओ आओ दूध मलाई खाओ दैट वाज हिलेरियस वो सॉन्ग वो डायलॉग मुझे जब भी याद आता है मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाती एक्चुअली आई एम एंटरप्रेन्योर इज्जत का फालूदा हो जाएगा रहने दे एंटरप्रेन्योर या सेम सेम चलो अच्छा है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं आई लव यू कब बोलने वाली हो प्यार में बोलना जरूरी है क्या बोल तो सकती हो ना ओके 143 क्या रिचार्ज करवाना है हाँ करा दो ये कौन सा पैकेज है अनलिमिटेड लव एंड लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी टिकट स्वामी जी टिकट स्वामी जी बोलिए टिकट ली है कि नहीं कम से कम भविष्य तो बता दो मेरी कमाई ही गायब हो जाती है लगता है स्वामी जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं हेलो अरे मॉल के पास आ रहा हूँ ऑन द वे हूँ तू कहाँ है अच्छा ठीक है मेरा स्टॉल कौन सा स्टॉल डोसा स्टॉल ओह आपका था क्या हाँ। उस स्टॉल की वजह से बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही थी म्युनिसिपैलिटी वाले उसे उठा कर ले गए अबे सच बता मुझे लगता है तूने कुछ किया होगा पागल हो गया है क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की चलो ले जाओ इसे सर चलो निकल यहाँ से सर इसकी तो गलती उसकी थी और ये लोग मुझे उठा कर लेकर आ गए समझ में नहीं आ रहा यार चाकू तरबूजे पे गिरे या चाहे तरबूजा चाकू पे कटेगा तो तरबूजा ही ना ठीक है जाने दे वैसे भी तूने मुझे बहुत सही टाइम पे निकाला है जब तुझे पुलिस ले जा रही थी ना तभी मैं मॉल में आ गया फिर? था क्या फिर कर रहा है बेकार के सवाल मत पूछ अगर मैं सीना चौड़ा करके हीरो बनने जाता ना तो मुझे भी तेरे साथ वो लोग जेल में डाल देते समझा क्या फिर तेरे बाप को आना पड़ता हम दोनों को छुड़वाने के लिए अरे मत बोल यार अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो हमारी वाट लग जाएगी अबे पापा को किसने बताया मैंने बुलाया अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सेफ साइड अरे तेरा पाँव तो बहुत ही भारी है फिर भी कोई मुश्किल आए तो बिल्कुल मत भागना खड़े होकर सॉल्व करना चाहिए लेकिन शहंशाह की तरह उछलना नहीं चाहिए तुम्हें बोल के क्या फायदा वो बेचारी तो घर में बैठी है ना वो तो पागल है
यार आजा, फिर बताता हूँ। हाँ क्या हुआ राजा, मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। पर हुआ क्या है? पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, वो किसी को पसंद करके मेरी शादी करवा देंगे, इससे पहले हम भाग चलते हैं। मेरी जान, मैं ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा हूँ, अब शादी करना, भाग जाना, ऐसे टेंशन झेलने की हालत में नहीं हूँ। तुम घर चली जाओ, एक सही समय देखकर तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। हाँ, जैसे तुम्हें देखकर तुम्हारा पांव धोके तुम्हें अपना दामाद बना लेंगे। मेरे हालातों को समझे बिना बेवकूफों की तरह बात मत करो। जब जेब में पैसे ना हो तो हर कोई भिखारी समझता है, उस वक्त कैसा फील होता है इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम पैसा है तो तुम मुझे बोल दो, तब तक मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें पता है एक महान इंसान ने इंग्लिश में क्या कहा था? अ डिस्कशन बिटवीन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड शुड बी लाइक अ लव एंड रोमांस बट नॉट वॉर एंड फाइनेंस। तो क्या फैसला है, मेरे साथ चलोगे या नहीं? अबे यार इसकी तो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बेवकूफ लड़की कहीं की, मैं तुम्हें यहाँ अपनी परेशानियाँ बता रहा हूँ, और क्या हर बार का भाग जाएंगे क्या लगा रखा है? किसी को बिना बताए चले जाएंगे तो लोग हम पर थूकेंगे। श्रीमान राजा के साथ हरिता मैडम प्यार करके भाग गई है, ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं कहेगा। अरे भूल गया था, तुम्हारा नाम ही नित्याहारती है। अब इस तरह का नाटक करके मुझे और मत जलाओ, चलो निकलो यहाँ से। तेरे जैसे बेवकूफ से प्यार किया ना, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, ब्लंडर ही हूँ मैं, ब्लंडर। चल अब 4 पैक ब्लेंडर प्राइड के लगाऊंगा ना तो तुझे क्या, तो पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा मैं और आराम से सो जाऊंगा। जाना जा, तुम बहुत पछताओगे। वैसे भी जिंदगी में बहुत ठोकर खा चुका हूँ मैं, तो तू क्या चीज है और तेरा प्यार क्या है?
से भी जिंदगी में बहुत ठोकर खा चुका हूं मैं, तो तू क्या चीज है और तेरा प्यार क्या है? बाप रे। पर मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि वो जख्म भूल नहीं पाऊंगा और वो मुझे इतना दर्द देने वाली है। नमस्ते। ओ, भगवान को ही नमस्ते बोलोगे क्या? राजा। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। राजा, तुम्हारा पैशन मुझे अच्छा लगा। बोलो, कब करनी है शादी? मुझे जरा सा टाइम चाहिए अंकल, पहले बिजनेस में सेटल हो जाओ फिर। दैट्स व्हाई आई लाइक यू, डोंट कॉल मी अंकल, पापा कह के बुलाओ मुझे। थैंक्स अंकल। ओ सॉरी ससुर जी। थैंक यू सो मच डैडी। अगर ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता, लेकिन ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। नमस्ते अंकल। क्या है, पैसे चाहिए? पद्मा देखो, पेपर वाला आया है। अरे अंकल, मैं पेपर वाला नहीं हूँ। फिर? मेरा नाम राजा है। अंदर आ जाओ। पद्मा, कॉफी बनाओ। नहीं सर, मैं कॉफी नहीं पीता। शराब? शराब वो भी इतनी सुबह, वो भी आपके सामने ठीक नहीं रहेगा। पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ पीते हो? कभी कभी। हाँ, क्या करते हो? बिजनेस अंकल। कैसा बिजनेस? नहीं पता अंकल, मेरी किस्मत खराब है, जो भी करता हूँ फेल हो जाता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अपने आप पर मुझे भरोसा है, आप मेरा यकीन करिए। तुम्हारे पिता भरोसा करते हैं क्या? अंकल देखा, जब तुम्हारे पापा ही तुम पर विश्वास नहीं करते तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा? अपनी बेटी को मैंने 10 एकड़ जमीन, 100 तोला सोना और 1 करोड़ दहेज में दिया है। दहेज दिया मतलब? लड़का यूके में जॉब करता है और ऊपर से उसका वहां पर बिजनेस भी है। परसों ही शादी करके उसे विदा कर दिया। यू आर लेट। सुपर अंकल, सुपर। मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, आप सुपर हैं।
तुमको तो कॉफी पीने की आदत भी नहीं है, थोड़ी देर रुको, कुछ खा कर जा सकते हो। फिर भी आपको आपकी बेटी की शादी करवाने के लिए इतने जल्दी लड़का मिला कहाँ से? मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी है क्या? अगर हारिती उसे छोड़ के मेरे पास आ गई तो क्या करेंगे आप? कोई भी समझदार लड़की शादी होने के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। फिर भी मेरी बेटी तुम्हारे प्यार के जाल में फंस तो गई, पर ऐसी घटिया हरकत तो वो कभी नहीं करेगी। परेशान मत हो ना, अपना फोटो और बायोडाटा छोड़कर जाओ, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो बताऊंगा। थैंक्स। जिंदगी में जब मैं बार बार ठोकर पे ठोकर खाता रहा, मुझे लगा मेरा मर जाना ही बेहतर है। जिंदगी पे मरने में भी फेल हो गया, आखिर खुदकुशी कैसे कर लेते हैं लोग? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, तुम लोगों को तो सच में मानना पड़ेगा। हाय रे चिकने, मुझे देखकर तेरी पैंट गीली हो गई क्या? हाय रे चिकने, मैं तेरे से केवल 200 ही लूंगी। चल ना, दोनों चल के मजे करेंगे। अरे चल ना, भाग क्यों खाता है? अरे सुन तो। हाय हाय सुनना, कहाँ भागता है? अरे सुनना, अरे सुन, अरे चिकने। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। मुझे तपस्या करनी है। करो। वेयर ऑल स्वामीज डू दैट? यू विल नॉट गेट फाइनेंस? नो फाइनेंस। आई वांट टू डू तपस्या, क्लोजिंग आईज, चैंटिंग गॉड्स। ओके, आई गॉट इट। फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट टू डू? अंटिल गॉड कम्स। व्हिच गॉड? एनी गॉड। ओके, लॉर्ड हनुमान इज माई फेवरेट गॉड। नो नो, लॉर्ड शिवा। I heard he will come fast. Do you think your monkey mind will be pleasant and allow you to do it? Can you beat the hunger? Swami, don't call me monkey or donkey. I am Raja. I have a name. You are not a body. You are soul. And soul does not have any name. That name just belongs to this temporary body. Swami, ये soul वोल की बातें छोड़िए और मुझे बताइए कि तपस्या कहाँ की जा सकती है? If you can overcome or control your mind, you can do it anywhere, at your home, at the park, or even at fully crowded places. अरे स्वामी जी, you go स्वामी जी, go, go, go. जा जाके भी किससे पूछा, खुद के जूते से खुद के सर पे मारना चाहिए। होम बोल रहा है, क्राउडेड प्लेसेस बोल रहा है, अगर यही सब जानता है तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे देखकर उसे ऐसा लगा होगा कि मैं उसका कोई कॉम्पिटिटर हूँ, ऐसा सोचा होगा कि इसे डरा के यहाँ से भगा दूँ। मैं फेलियर से थक चुका हूँ भगवान, आपको आना ही पड़ेगा और मुझे वरदान देना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे हट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ पापा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, अगर परेशानी में उन्होंने कुछ कर लिया तो। छह नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे माँ बाप का ख्याल रखना भगवान, वैसे भी एक पैर पर तपस्या करना बहुत मुश्किल है, क्यों ना दोनों पैर ट्राई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिति, डू यू थिंक योर मंकी माइंड विल बी प्लेजेंट एंड अलाउ यू टू डू इट? कैन यू बीट द हंगर? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनाकहस्ताय सनातनाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। The mesmerizing experience of your life, नमः शिवाय। हिमालयास, the land of gods. स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जिंदा है क्या? हाँ, माय गॉड, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं अभी? गॉड प्लीज हेल्प। अरे मेरी जानू, शाम तक के रहना, साथ में हम दोनों खूब काम करेंगे। हेल्प, 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 यहाँ। क्या हुआ, क्या चाहिए? अगर फोटो खिंचवाना हो तो 50 रुपए, ट्यूब के साथ खिंचवाना हो तो 100 रुपए, और सवारी करनी हो तो 500 रुपए। बोलो क्या चाहिए, देख के चलो आराम से। हाँ हाँ हाँ, तू भी आ जा। कोई इसके मुंह में अपने मुंह से ऑक्सीजन दे दो। तुम्हें दे दो ना। हेलो, मुझे उस टाइप का समझ रखा है क्या? ये मुझसे नहीं होने वाला।
हेलो मैडम, उसे होश आ चुका है, सांस देने के लिए इतना तो नहीं कहा था। आप कौन? आई एम श्रेया। माधव। और मैं चिंडी सक्सेना। आई लव यू। हे, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। आई लव यू श्रेया। ओ नो गॉड, ऐसे लोग मुझे क्यों मिल जाते हैं? आप हो कौन, आपका नाम क्या है और यहाँ क्यों आए? मेरे बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो फिर पागल हो क्या? मेरा नाम राजा है। आपको देखते ही मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। ओह बहुत खूब। हे भगवान, क्या था ये? तुम्हारा फ्लैशबैक तो सच में खतरनाक था। मुझे लगता है पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, काफी दिनों से शायद तुमने कुछ खाया नहीं है। शुक्रिया माँ जी। इसे ऐसे ही छोड़ देती, वैसे भी तुमने अपना काम कर दिया है ना। मुझे तो ये इंसान अच्छा लगा, जो होगा देखा जाएगा। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। ओह गॉड, आई एम सो क्रेजी। क्रेजी नहीं, इसे क्रैक बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, आप मुझे राजा नाम से बुलाइए ना। स्वामी जी बोल रही है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन आपको इन कपड़ों में देखकर न जाने क्यों मुझे स्वामी जी वाला ही फील आ रहा है। दोनों चालू हैं। आई एम जस्ट वन डे स्वामी जी। ठीक है, लेकिन आपकी तपस्या का क्या होगा? स्वामी जी, आप मेरा भविष्य बता सकते हैं क्या? अरे, पेन है क्या? हाँ, है। लाइए, हाथ दिखाइए। ओह नो, मुझे तो गुदगुदी हो रही है। आपका नाम? श्रेया। डेट ऑफ बर्थ? 2 जुलाई 1997। बर्थ प्लेस? मुंबई। आपके घर में आपके कोई बड़ी छोटी, आई मीन आपके भाई बहन कोई? एक छोटी बहन है। मतलब आप एल्डर हो। आपके फेवरेट भगवान? शिवजी। शिवजी। वैसे आपको कौन सा सूप पसंद है? सूप? हाँ। पियर्स। उसी पियर्स सूप से आप हाथ धो लेना। यू? मेरी डॉक्यूमेंट्री खत्म हो चुकी है, हम कल निकल रहे हैं। मेरे प्यार के बारे में क्या सोचा तुमने? क्या तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? है, पर मुझे जो चाहिए वैसा प्यार तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए पॉसिबल नहीं। कहना क्या चाहती हो? जब तुम्हें ही खुद पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन उसका सामना करने के बजाय हार मान के तुम तपस्या करने यहाँ आ गए। देखा जाए तो तुमने सब कुछ अधूरा छोड़ा है, और अंत में इस तपस्या को भी।
तुम्हारे हर एक फेलियर के पीछे तुम्हारे बैड लक से ज्यादा तुम्हारा केयरलेसनेस दिखता है। जब तुम 10th में फेल हुए, जब तुमने जॉब छोड़ी, जब बिजनेस में तुम फेल हुए और आखिरकार तुम्हारा प्यार वो हारती, उसे भी तुमने ही छोड़ दिया। सब फेलियर की वजह तुम ही हो। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे तुम पसंद तो हो, लेकिन तुमसे शादी कर लूं इतने भी पसंद नहीं हो। तुम्हारा मतलब ये वाली लव स्टोरी भी फेल हो गई? नहीं, जिस दिन तुम खुद से जीत जाओगे उस दिन मेरा प्यार भी जीत लोगे। मुझे जल्द से जल्द मिलियनेयर बनना है। सो जा भाई, ऐसे सपने हर कोई देखता है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? कोई बिजनेस करो और सेटल हो जाओ, और क्या। अरे वो सब कर नहीं पाया इसलिए तो यहाँ हूँ। जब कुछ नहीं कर पाए तो तपस्या ही जारी रखना चाहिए था, और यहाँ वहाँ भीख मांग के अपना दिन गुजार लेना चाहिए था। बेकार में ये प्यार करके कमिटमेंट क्यों कर डाला? हाँ, अरे बोलो ना। तुम्हें लगता है मैं भीख मांगूंगा? नो वे। तो मेरा असिस्टेंट बन जाओ। स्टॉप इट। यू बुलशिट। इट्स नॉट बुलशिट, इट्स याक्शिट। अबे मैं तुझे कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर। शू शू शू। अरे मच्छर थे भाई। ओ मेरे मिलेनियर, अब तू सो जा, हम कल सुबह बात करते हैं। हाँ ओके, आ जाओ, कंबल ओढ़ लो। गर्मा गर्म नंदी का प्रसाद रेडी। It is the last day of this sale here. Haan. You are very lucky to have this here. Nandi Prasadam, come. Aaiye, aaiye. Buy this. How much? 10,000 rupees only. Haan. Oh man, 10,000 is so expensive. Not expensive than any of your problem. If it is there with you, then no sorrow, no pain, only happiness. We are with Nandi Prasadam, with Lord Shiva's blessings. Yes. Where there is Nandi Prasadam, there is Nandi. Hmm? Where there is Nandi, there is a Lord Shiva. Come fast. अब से पहले मेरी जिंदगी एक सवाल जैसी थी। मेरी पूरी जायदाद खाली हो गई थी, एकदम शराबी बन गया था। और तब मेरे घर वाले हिमालय गए थे, मेरे लिए नंदी प्रसाद लेकर आए। तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। आप लोगों ने देख लिया ना, अब जल्दी से नंदी प्रसाद को घर लेकर आइए। हर एक मुश्किल जो आपको परेशान कर रही है, वो हर एक परेशानी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके नंदी प्रसाद अपने घर लेकर आइए। इस प्रसाद की कीमत मात्र 10,000 रुपए है और डिलीवरी चार्जेस फ्री है। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करिए और मुसीबत को घर से भगाइए। और एक मुख्य सूचना, अगर किसी वजह से नंदी प्रसाद का फ्रेम टूट गया तो उस फ्रेम को यहाँ वहाँ पर मत फेंकिएगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। उसे अग्नि कुंड में डाल दीजिए, फिर एक और नंदी प्रसाद का ऑर्डर कीजिए। You made it, Raja. You are great. अबे चुंडी, मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया। अपनी जो याक है ना, उसके गोबर के साथ हम यूज़ में। हमारा नहीं, वो मेरा याक है। अरे बाप रे, मेरा याक कहाँ गया? लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया। चुंडी डोंट वरी, चुंडी जानता है ना कि मैंने कितना कुछ सहा है। तुम्हारा बेकार का फ्लैशबैक किसे सुनना है? मेरा भविष्य ही अब खतरे में आ चुका है। लगता है तेरी पनौती अब मेरे ऊपर आ गई। जानेमान कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? जानू कहाँ हो? जाने मन। अबे चुंडी, ऐसे जानू जानू बोल के मत चिल्लाना यार, बहुत अजीब लग रहा है। दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब हम एक ही जोक पे 10 से ज्यादा बार हंस नहीं सकते, तो एक ही प्रॉब्लम को लेकर हम बार बार क्यों रोते रहते हैं? सुनो, बुरा वक्त क्या होता है तुम्हें पता है?
तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और दूसरे लोगों को ज्ञान देते हैं। देख भाई चुंडी, अब तुझसे बात करके कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगी है यार, पानी चाहिए। अब तक केवल मैं ही चिल्ला रहा था, मुझे भी बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अब तो चलने की भी ताकत नहीं बची। कहाँ हो? सुनो मेरी आवाज। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? जानू, अरे सुनो तो, वापस आ जाओ। जाने मन, अरे कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, कहाँ हो तुम? आ जाओ, अरे चलना। भैया पानी। कितने का है? 30 रुपीस। पैसे देना। तू इंसान है कि नहीं? ऊपर टी शर्ट और नीचे निक्कर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भैया लूज वाटर, टैप वाटर? फुकट में पानी चाहिए क्या? या ड्रिंकिंग पानी थोड़ा। नहीं है, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भिखारी लोग। निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया। आप खड़े खड़े घूर क्या रहा है? सारे नालायक मेरे यहाँ ही आते हैं। चल निकल रहे यहाँ से। नालायक किसको बोला बे? अगर तूने फिर से बोला ना तेरे टुकड़े कर दूंगा। अरे शांत रहे ना, शांत रहे। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो वो ऐसा बोलेगा ही ना। रिलैक्स, शांत हो जा। पानी मांगा तो इतना गाली देगा क्या? तेरी तो क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या बोल रहे रे? अरे रे भाई माफ करना। हाँ सॉरी। हाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चला जा। अरे आना। हाँ। चल बाहुबली, अब बस भी करो। What are you doing here? We are waste volunteers. We collect the waste from the mountains and we try our level best to keep the mountains clean. Great. Salute, brother. Thank you. Hello, brother. Huh? Water bottles hai kya? Yeah, I have.
बस बस इतना हमारे लिए काफी है। थैंक यू, बाय बाय। अरे तुम इतनी सारी बॉटल का आखिर करोगे क्या? जस्ट वेट एंड वॉच द शो। भाई साहब आइए, आइए दोस्तों, आइए आइए। उसके पानी में पूरी मिलावट है। बिल्कुल। उस पानी के अंदर केमिकल्स मिलाते हैं ये लोग, जिससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ये पानी फ्रेश है, सीधा आकाश से आया है। थोड़ा पानी पी कर देखो, अच्छा है तो ही पैसे फेंको। आइए दोस्तों, आइए आइए आइए। कितने का है? 10 रुपीज ओनली। Only 10 rupees. Thank you. सबको बोलो। Only 10 rupees. Only 10 rupees. सबको बोलो। आइए आइए। पानी ले जाइए। आइए दोस्तों आइए। पानी लेकर जाइए। आइए मैडम आइए। How much? For 1 bottle, 10 rupees. Hmm, nice. Tastes really good too. थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। आइए आइए दोस्तों, आइए आइए। ये पकड़, ओनली 10 रुपीज, एक बोतल देना। हाँ थैंक यू, ये लीजिए। ओनर कौन है? 10 रुपए की पानी की बॉटल खरीदने के लिए आपको ओनर का पता चाहिए क्या? हाँ मैं हूँ ओनर, बोलिए। ए तू अकेला नहीं, मैं भी ओनर हूँ, समझा? मैं भी ओनर हूँ, बोलिए। हम ओनर को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, अब बोलो दोनों में से कौन ओनर है। अरे बाप रे, अरेस्ट? मैं ही हूँ, लेकिन क्यों? सब पुलिस स्टेशन में बताऊंगा, चलो। अरे पर सर, सर बताइए ना बात क्या है। केस है? CWC से कंप्लेंट है सर। वाटर कमीशन से? जी सर। देखा जाए तो तुमने सब कुछ अधूरा छोड़ा है।
तुम्हारे हर एक फेलियर के पीछे तुम्हारे बैड लक से ज्यादा तुम्हारा केयरलेसनेस दिखता है। जब तुम टेंथ में फेल हुए, जब तुमने जॉब छोड़ी, जब बिजनेस में तुम फेल हुए और आखिरकार तुम्हारा प्यार वो हारती, उसे भी तुमने ही छोड़ दिया। सब फेलियर की वजह तुम ही हो। हाय, मेरा नाम राजा है। सर्वाइवल के लिए मैंने हिमालयस में वाटर बॉटल का बिजनेस खोला था। वाटर बिजनेस चलाते हुए कॉर्पोरेट कंपनीज जो वाटर के साथ मिलावट कर रही है, ये काला चिट्ठा सामने ना आ जाए, इस डर से विदेशी कंपनी BBM वाटर एंड वाइन्स के लोगों ने मुझे आज सुबह ही अरेस्ट करवा दिया। मैं साधारण सा एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, इसीलिए आज मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। शायद ये विदेशी कंपनी मेरी जान लेकर ही मेरा पीछा छोड़ने वाली है। वाटर बॉटल्स पे आप जो एक्सपायरी डेट देखते हैं, वो एक्चुअली वाटर बॉटल का है, वाटर का नहीं। तो जरा आप ही सोचिए, किसी भी बॉटल में आप पानी भर लीजिए, क्या वो एक साल तक बिना खराब हुए रह सकता है? अगर आप किसी भी वाटर बॉटल के ऊपर देखेंगे तो बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स ही लिखा हुआ होता है। वाटर खराब ना हो इसलिए कंपनी कई सारे केमिकल्स मिलाती रहती है। एक साल के बाद वो केमिकल भी खराब हो जाता है। मेरे बिजनेस का उसूल सिर्फ एक है, दूध के पैकेट की तरह वाटर बॉटल्स भी उसी दिन तैयार करके सप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। एंड एक्सपायरी डेट विल बी ओनली 5 days, और वो पानी भी पीक ऑफ हिमालय के माउंटेन से कलेक्ट किया गया है। इसमें किसी भी तरह की केमिकल मिलावट नहीं होगी। मैं जो पानी सप्लाई करूंगा वो अमृत है। मेरे पानी का नाम है आकाश गंगा। वो दूध मलाई वाला भैया? हाँ वही है। एक मिडिल क्लास राजा का इस फाइट के लिए पूरा सोशल मीडिया उसे सपोर्ट कर रहा है। अब तक बहुत सारे लॉयर्स ने और HRC वालों ने प्रसिद्ध BBM कंपनी पर मुकदमा दायर कर चाहते हैं कि राजा तुरंत रिलीज हो जाए। रिलीज हिम। Who the hell are you, man? आप कौन है? VK, विक्रम कृष्णा, regional head for south of BBM Water and Mines. Nice name, huh? Why have you targeted to us? What do you want? Oh. Who is behind you? Solo. Tell me what you want. What can you give? Tell me whatever shit you need. I will throw it. अच्छा? अगर मैं तुझसे लेता हूँ तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा तुझे? Your brand. हाँ? मेरे अमृत को खरीदेगा? इंटरेस्टिंग यार। हाउ मच यू नीड? तू कितना दे सकता है? 1 crore. 1 crore. ओके, डील डन। साइन दिस। अरे कार्ड तो देता जा। वो क्यों? अगर ये चेक बाउंस हो गया तो किसे कॉल करूंगा? तुझे ही कॉल करूंगा ना। आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, तुम्हारे पास साइनिंग अथॉरिटीज है, इससे तू उस कंपनी का CEO थोड़ी बन जाता है। कामयाबी जरूर मिलती है। अभी अभी मिली खबर के मुताबिक हम आपको बता दें कि राजा की आकाश गंगा ब्रांड को BBM ने खरीद लिया है। जो भी हो, अब इन कंपनियों को राजा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना ही होगा। अब लोगों को बिना केमिकल का फिल्टर किया हुआ पानी मिलने वाला है, जिसकी खुशी पूरा देश मना रहा है। पापा खाने के बाद हम आइसक्रीम खाएं क्या? हाय सर। डैडी, समवन इज कॉलिंग यू। अरे हाँ ना। आए सर। ये और यहाँ पर अंकल है क्या? समवन बोल रहा है। मुझे भी। या, तुम खा लो। ये है विक्रम कृष्ण, मार्केटिंग हेड। तुम्हें क्या लगता है, मानेगा ये? बात करके देखते हैं। तुम लोग जाकर गाड़ी में बैठो। देख भी क्या होता है। वैसे कल मैंने उससे बात तो कर ली थी। बोलो, आपकी सैलरी कितनी है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसी बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, बताइए ना। 25 lakhs per annum।
उसे छोड़ के आप मेरी कंपनी में आ जाइए। तुम्हारी कंपनी? कौन सी कंपनी है तुम्हारी? मेरी कंपनी नहीं, हमारी कंपनी। मैं जो कंपनी शुरू करने वाला हूँ उसमें मैं तुम्हें 25% शेयर दूंगा, मतलब बिकने वाली हर एक बोतल पे 25% की तुम्हारी प्रॉफिट। तो अभी तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो कितनी भी मेहनत कर लो, रहोगे तो एम्प्लॉई, मेरे साथ आ जाओ, तुम ही बॉस रहोगे। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? तुम्हारा एक्सपीरियंस चेक। $50 lakhs मुझ पे भरोसा करने का तुम्हारा ये इनाम तुम्हारे एक साल के सैलरी से बढ़कर है। पेपर्स। हमारी कंपनी से हर दिन ऑन एन एवरेज कितनी बॉटल सेल हो रही है कुछ पता है तुम्हें? दिस मार्केट विल नॉट बी लॉन्ग इनफ फॉर आवर सर्वाइवल। जानता हूँ। गांव में जो भी प्लांट्स हैं या किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी हो तो भी इससे ज्यादा ऑर्डर्स हमें लाने पड़ेंगे। जानता हूँ विक्रम, बट डोंट वरी, हमारी कंपनी को रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, तो आपसे हिंदुस्तान के हर एक रेलवे स्टेशन पे हमारी ही वाटर बॉटल बिकने वाली है। क्या सच में? तुम्हारा दूध मलाई खा के मेरा मन कर रहा मैं मर जाऊं। इतनी बड़ी न्यूज तू इतने आराम से बता रहा है। यस, इट्स रियली अ वंडरफुल न्यूज। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स। अमेजिंग न्यूज गाइस। आज से जो आप रेलवे स्टेशन पर पीने वाले हैं वो पानी नहीं है, सक 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 सक, हमारी आकाश गंगा, वाटर फ्रॉम हेवन। वाओ सुपर भाई। भैया ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट भैया, ऑफ कोर्स यार, वो तो मैं हूं ही। अरे भाई, रेलवे स्टेशन पे मुझे जॉब दिलवा दो। रेलवे स्टेशन पे जॉब चाहिए नहीं। बकरी चराने वाले फेसबुक यूज कर सकते हैं, पर ऐसे फालतू लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जुकरबर्ग सर, एलिमिनेट दिस पीपल आई से। टू मच हैरेसिंग ऑन एफबी सर, प्लीज एलिमिनेट देम आई से। हाँ। Share me your location. अरे नहीं यार, हैप्पी बर्थडे श्रेया। वाओ, थैंक यू। मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो। लव यू। नो। क्या नो? आज तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे रिटर्न गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए ना। छी। अरे तो तुम इसी के लिए आए हो क्या? हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे, बाय। क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस करो ना राजा, सॉरी। अब कहाँ जाओगे? आज तो तुम बुक हो चुके हो। आकाश गंगा, जिसने बड़ी अजीब तरह से वाटर किंगडम में एंट्री की थी, अब इस कंपनी ने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। वाटर बिजनेस में उसके उसूल ही उसकी सफलता का राज है। अभी अभी मिली खबर के मुताबिक राजा की वाटर ब्रांड आकाश गंगा अब रेलवे को 10 लाख बॉटल सप्लाई करने वाली है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए।
सर फोन। नमस्ते गोयल जी। नमस्ते रकुलप्रीत जी। सुना है आपने वाटर कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया? किसने बोला? पूरे मीडिया में यही हॉट टॉपिक है। समाचार हो या अत्याचार, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार किसी को नहीं है। डोंट वरी। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो पता है ना, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। पता है भाई, वो फॉल्स न्यूज पर आप यकीन मत करना। अरे बाप रे, मिनिस्टर बनने के बाद भी मुझे आराम नहीं है। कितने लोग जबरदस्ती करते रहते हैं। इस तरह से बकबक करेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं तो क्या मेहरबानी करेगा क्या? ऊपर से नाम भी तो देखो, रकुल प्रीत। हमारे लिए रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ही खुशी की बात है। हम जो पानी सप्लाई करने वाले हैं वो बेस्ट रिसोर्सेज से लिया हुआ है। हमारा उसूल सिर्फ एक है, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। रेलवे के डिमांड के मुताबिक हम पानी सप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन ओनली प्रोड्यूस 1.22 to 1.5 lakhs वाटर बॉटल्स पर डे। अवर वाटर विल बी प्रीमियम इन क्वालिटी एंड रीजनेबल इन प्राइस। आपको पता ही है कि सारे राज्यों में पानी सप्लाई करना है, तो इसीलिए हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे। तो आप लोग आकाश गंगा का लुप्त उठाइए और जो नहीं उठा पाया हमें माफ कीजिए। लेकिन एक बात, MRP से एक रुपया बढ़ाकर अगर किसी ने बेचा तो आप लोग हमें बताइए, इमीडिएटली उस शॉप को हम वाटर सप्लाई बंद कर देंगे। बाप रे, क्या दिमाग है यार तेरा, वाटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक पानी का बॉटल देना। ये लीजिए। आकाश गंगा नहीं है क्या? है ना। कल से 100 लोड का ऑर्डर एक्स्ट्रा आ गया है, इसे हम पूरा नहीं करने वाले हैं। बोल दूं क्या? क्यों नहीं कर सकते? तुमने ही तो कुछ क्वालिटी क्वांटिटी ऐसा कुछ बोला था ना। वो इसलिए बोला था ताकि अपने प्रॉफिट बढ़ जाए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पब्लिसिटी के बिना इतना बिजनेस बढ़ाना इम्पॉसिबल है। यू आर रियली ग्रेट राजा। हम खर्चा तो कर रहे हैं पर सब लोग तक पहुँच नहीं रहा। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना चाहिए, FB से लेकर WhatsApp तक। हमारा पानी पीने के बाद लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, देश के लिए अच्छा है, ऐसी पोस्ट कहीं ना कहीं शेयर होती ही रहनी चाहिए। Facebook पे वायरल हुए हर एक वीडियो को कवर करने के लिए मीडिया हमेशा तैयार रहती है। हमारे कंपनी के बारे में आने वाली हर एक न्यूज सीधे इसी प्रोसेस से होकर गुजरनी चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिलेगा और हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। I am really proud to work with you, Raja. I need some scientist. Why? हिमालय से जो हम वाटर सप्लाई करते हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसका पता लगा के हमें गांव के पानी को भी वैसे ही प्यूरिफाई करना होगा। That too, without adding any chemicals. हम उसमें हिमालय की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलाकर देखते अगर कुछ होता होगा तो। तुलसी फ्लोराइड को कम कर देती है ऐसा मेरे दादाजी ने कहा था। मतलब दादाजी भी साइंटिस्ट हैं, उन्हें बुला लूं क्या? तुम्हें लीकर बिजनेस के बारे में आइडिया है ना? या श्योर। गुड, लेट्स स्टार्ट विद द बियर मैन्युफैक्चरिंग। आर यू सीरियस? परमिशन मिल भी गई तो प्लांट शुरू करने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा राजा। जानता हूँ, अगर हमें परमिशन मिली तो बियर तैयार करने के लिए हमारे पास कोई प्लांट्स है क्या? अगर परमिशन जल्दी मिलनी चाहिए तो किससे मिलना होगा? रेलवे मिनिस्टर रकुलप्रीत से। क्या? एक्साइज मिनिस्टर रकुल प्रीत का बेनामी है, जो भी फाइल उसके पास जाती है वो रकुल प्रीत ही पास करता है। गॉट इट। हेलो, प्लीज मंत्री जी से मेरी बात करवाइए ना। मंत्री जी बोल रहा हूँ, बोलो। हम कंपनी में आपको 5% की पार्टनरशिप देंगे। 8% है तो ठीक है। 9% ले लीजिए, न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी ये आपके लिए अच्छा नंबर होगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमको जो भी जरूरत हो मुझे जरूर याद करना। डील डन। इस 31st से हम बियर लॉन्च करने वाले हैं। एक एक बियर की कीमत 300 रुपए होगी। बियर की मार्केट में ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा है पर क्या करें, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च भी तो ज्यादा कर रहे हैं। कोई भी मामूली बियर बाहर 100 रुपए में मिल जाएगी तो आपका बियर कोई 300 रुपए में खरीद के क्यों पिएगा? वो एक मामूली बियर है, आपने तो कहा ये रिच बियर है, रिच इन एवरी एस्पेक्ट।
आपकी बियर सेहत के लिए अच्छी है क्या? बीड़ी सिगरेट दोनों भी हानिकारक है, लेकिन बीड़ी से तो सिगरेट कम हानिकारक होता है ना। क्या रे, दारू ज्यादा पीता है क्या? ऐसी बात नहीं है पापा। पीना कम कर दे, और अगर पीना ही है तो वो रिच वाली बियर पी। पापा, आई लव यू पापा। एक बियर की बोतल देना। क्या हुआ, इतने अर्जेंटली बुलाया है मुझे? हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। कब करने वाले हैं शादी? बस तुम्हारे हाँ का इंतजार है, तुम जब कहोगी तब शादी कर लूंगा मैं। वैसे अपने जॉब के बारे में क्या सोचा है? उसका क्या, I'll continue with that. मेरी जान, तुम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए यहाँ वहाँ घूमती रहोगी तो हम रोमांस कब करेंगे? जब मिलेंगे तभी कर लेंगे। तुम्हारे ऐसे बोलने से ही हर्ट हो गया हूँ मैं। फिर तुम शादी के बाद यहाँ वहाँ घूमती रहोगी तो मेरे रोमांस का क्या होगा? साथ में रह के मेरा बिजनेस संभालो ना। तुम मुझे अपनी मेली को दिखा रहे हो, डिस्कवरी में डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर बन जाना। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, और ये मेरा बचपन का सपना था। और रोमांस के नाम पे मुझसे ये बकवास बातें मत किया करो। तुमने मुझसे इसलिए प्यार किया क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको, है ना? ये प्यार नहीं है राजा, ये तुम्हारी खुदगर्जी है और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं यहाँ तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, और तुम हो कि तुम्हें तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री की पड़ी है। आखिर इस तरह से कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो हम ऐसे ही ठीक है, कभी कभी तो मिल लेते हैं। राजा, ओ मेरे दोस्त। अब ये घोचू यहाँ क्या कर रहा है? ये लोग कौन हैं? गिरी, पीछे वो लड़की नित्या हारती। तुमने तो कहा था उसकी शादी हो गई और वो फॉरेन चली गई है। बोला तो था। या छोटे, तू बहुत बड़ा हो गया क्या? तेरा तो बहुत नाम हो गया रे दोस्त, क्या बात है। सब इस लड़की की वजह से। हाँ? आप कौन? श्रेया। नित्या हारिदी। हेलो, क्यों सारे क्रेडिट उसको दे रहे हो? ये सारा कुछ मेरे डैडी का प्लान था। हाँ, तुम्हारे डैडी का प्लान? तो फिर पापा, मुझे ये वाला गेम खेलना है। बेटी कहाँ पर है? अच्छी शादी हो रही है। सुबह से ही ऊपर बैठी है पापा, खाना तक नहीं खाया उसने, पूछा तो कुछ नहीं बोली। क्या हो गया उसे? जल्दी करो, करवाया था। क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं डैडी। मेरी बेटी अगर मुझसे कुछ छुपा रही है, इसका मतलब वो किसी से प्यार करती है ना? ओ डैडी। बोलो क्या बात है बेटी, तुम्हें इस तरह रोते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। यहाँ देखो बेटी, पापा को भी रोना आ रहा है। पगली कहेंगी, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? भागने के बजाय उसने मुझसे मिलने का फैसला किया, इससे उसने तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया है। डैडी। अच्छा बेटी, तुमने उसका नाम क्या बताया? राजा। मेरी रानी बिटिया का पति तो राजा ही बनेगा। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। अब तो खुश हो ना? चलो अब नीचे चलो, खाना खाते हैं, पापा को जोर की भूख लगी है।
अब चलिए डैडी मैं आती हूँ। क्यों, राजा को फोन करके खुशखबरी देनी है क्या? नहीं डैडी, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ। वो जब तक आकर मुझसे बात नहीं करता उसे बताना मत बेटा। जब वो आकर मुझसे बात करेगा तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी आना। तुम जब मेरे घर आए थे तो मेरी नहीं मेरी बहन की शादी थी। डैडी ये आपने क्या किया? उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है बेटी, अब अगर तू उससे शादी कर लेगी तो वो रिलैक्स हो जाएगा और तुम दोनों को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल भी फेस करना पड़ सकता है। तो क्या अगर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उसकी आंखों में आए हुए आंसू अगर प्रेमिका की वजह से आए हो तो उसके अंदर की आग को भड़काते हैं। तुम बस देखती जाओ, बहुत कम समय में राजा कुछ न कुछ करके दिखाएगा। पर डैडी, तुम मेरा यकीन करो बेटा, तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम चुप रहना। हारेती मैं किस हालत में हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुझे क्या हो गया? तेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, कहीं माल्या जैसा कर्ज तो नहीं तेरे ऊपर? अबे तू मेरे इमोशन की वाट मत लगा समझे। हेलो, मुझे तो 3 दिन से लूज मोशन है, फिर भी तेरे को ढूंढता हुआ आ गया ना मैं। इसको इमोशन बोलते हैं, जानता है ना, मोशन के आगे सारे इमोशंस फेल हो जाते हैं। अब रुक जा, ये बता कि टॉयलेट कहाँ पर है? उधर जा। अरे बाप रे। राजा तुम्हारा डिसीजन क्या है बताओ। राजा आखिर बात क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी की बात कर रहे थे और तुम आ गई। राजा ये सच है क्या? मेरी जान इस तरह से तुम रो मत, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। राजा अगर तुमने ना कहा तो मैं मर जाऊंगी। आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा मत बोलो यार, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं जी सकता। राजा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम चुप रहो, मैं सब समझ गई। पैसे आने के बाद तुम मुझे भूल गए और किसी और से प्यार करने लगे। ओ नित्या हारिती, पहले मेरी बात सुनो। ये सारी गड़बड़ की वजह तुम्हारे पापा हैं, तो जाके उनसे बात करो। तुम्हें खोने के बाद तुम्हें मरने के लिए भी चला गया था, मर जाता तो अच्छा होता। राजा अरे यार कैसी किस्मत है, ये मेरे साथ ही क्यों होता रहता है? अपना ओपिनियन रखो राजा, डिसाइड कर लो हम दोनों में से तुम किससे शादी करना चाहते हो। तुम दोनों ही मेरे लिए प्यारी हो तो क्या जवाब दूं मैं? तुम तो इसके प्यार को भुलाकर आगे बढ़ चुके थे ना, और आज ये सामने आ गई तो फिर से प्यार जाग गया। राजा ये सब सुनने के लिए मैं इतनी दूर तुमसे मिलने आई हूँ क्या? अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। हम तीनों ये बिजनेस, पैसा, ख्वाहिशें सब कुछ छोड़कर इस हिमालय के अंदर हम तीनों मिलकर सुकून से जिंदगी जिएंगे, प्यार करते हुए, बहारों में झूमते हुए। पागलों की तरह बातें मत करो राजा, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, एक सक्सेसफुल आदमी बन गए हो, और जब मेरे घर वाले इस शादी के लिए मान गए तो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तो मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें क्या कहना है? डोंट बी फूलिश राजा। देखो मुझे तुम दोनों पसंद हो, दोनों में से अगर किसी को भी तकलीफ हुई तो मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तुम डिसाइड करके बताओ। अब तक मेहनत करके मैंने जितने भी पैसे कमाए उसे किसी आश्रम में दान कर दूंगा, और मैं तुम दोनों के साथ यहाँ सुकून की जिंदगी जीना चाहूंगा। जिस दिन मिलेगा खाएंगे, वरना भूखे रहेंगे। बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मोर देन योर लव। अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरे साथ मेरी तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो यहाँ रुक जाओ। माँ बाप, जायदाद, पैसा, ख्वाहिशें, ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं रहेगी। जो रहेगा वो सिर्फ एक ही है, मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं, और हमारे लिए ये प्यार। जानू आई लव यू, आई लव यू टू। यही डिसीजन फाइनल है क्या? यस। गुड बाय राजा। ये प्यार, इश्क और मोहब्बत सेहत के लिए हानिकारक है।